राजस्थान में हीट वेव से एक मौत की खबर मिल रही है। चिकित्सा विभाग ने केंद्रीय प्रोटोकॉल के हिसाब से किया डिक्लेयर। अजमेर के रूपनगढ़ निवासी मरीज की किशनगढ़ जिला अस्पताल में जान चली गई। चिकित्सा विभाग ने 1 मार्च से अब तक के डेटा जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 90,386 मरीज आपातकालीन सेवाओं में आए। इससे हीट वेव के 2,809 मरीज चिन्हित किए गए, जबकि एक मरीज की हीट स्ट्रोक से मौत की पुष्टि की गई है और आंकड़े जारी किए गए हैं। चलिए, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़े हैं अधिक जानकारी देने के लिए। विकास, देखिएगा किस तरह से हीट वेव जानलेवा साबित हो रही है, ये तो अब आंकड़ों से भी स्पष्ट हो गया। बताइएगा क्या कुछ कहा गया है। देखिए, बिल्कुल हीट वेव को लेकर जिस तरह से कल शीत सेक्रेटरी ने मीटिंग ली थी और मीटिंग के अंदर जानकारी दी गई थी कि हीट वेव से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं है। उसके बाद में आज पिछले 24 घंटे की बात करें तो हीट वेव से एक मरीज की मौत हुई है। किशनगढ़ जिला अस्पताल के अंदर एक मरीज की मौत हुई है, जिसके जो कि अजमेर के रूपनगढ़ का रहने वाला था। और इस मरीज की डेथ के बाद में चिकित्सा विभाग ने 1 मार्च से लेकर के अब तक के जो अपने डेटा है वो डेटा भी सार्वजनिक किए हैं। उन डेटा में बताया गया है कि 90,000 से अधिक मरीज जो है आपातकालीन सेवाओं में पहुंचे हैं। इन आपातकालीन सेवाओं में जो पहुंचे इन मरीजों में से जो मरीज हीट वेव के शिकार होकर होते हैं उनके डेटा भी जारी किए गए और साथ में यही पुष्टि की गई कि एक मरीज की इसमें मौत हो गई है। विकास, और विस्तृत तौर पर रिपोर्ट में और क्या कुछ बताया गया है? देखिए, अभी इस वक्त तत्काल जो जानकारी है वो साझा की गई है, हमारे दर्शकों हम साझा कर रहे हैं जानकारी, लेकिन इसकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट जो है अभी कुछ ही देर में आएगी, जिसमें बताया जाएगा कि मरीज को क्या दिक्कत थी, किस तरह से उसको भर्ती कराया गया था, क्या उसको सिम्टम्स हुए थे, किस आधार पर उसको केंद्रीय प्रोटोकॉल के आधार पर उसको मृत घोषित किया गया है हीट वेव से। जी ठीक है विकास, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।